बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बायकॉट के बाद कांग्रेस ने भी बीडीसी चुनावों को बायकॉट कर दिया है और इसी पर आज भाजपा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा जी। रविंद्र राणा जी, कांग्रेस द्वारा भी इनको इन जो इलेक्शन है बीडीसी की उनको बायकॉट कर दिया गया है, आप किस तरह से देखते हैं इसे? कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर के पंचों और सरपंचों को अधिकार मिले। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतंत्र मजबूत हो। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि ग्रास रूट लेवल पर हमारी डेमोक्रेसी यहाँ फ्लोरिश करे। कांग्रेस ने 70 साल सरपंचों और पंचों को गुलाम बना के रखा। जैसे गुलाम होते हैं, दास होते हैं, ऐसे कांग्रेस ने सरपंचों और पंचों को 70 साल यहाँ बना के रखा। और आज जब नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने पंचों और सरपंचों को अधिकार दिए तो कांग्रेस को तकलीफ होने लगी। तो रविंद्र राणा जी, इनके द्वारा जो ऑल जम्मू कश्मीर पंचायती कॉन्फ्रेंस है उन्होंने भी इन चुनावों का जो है विरोध किया है और कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है कि जम्मू कश्मीर में ब्लॉक समितियों के चुनाव वो करवाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, चुनाव आयोग का हम सम्मान करते हैं, जो चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है हम उसके मुताबिक ये चुनाव लड़ेंगे। लेकिन राणा साहब, आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपके ऑपोजिशन में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो किस तरह के चुनाव है जब कोई उम्मीदवार ही नहीं है? तो सैकड़ों की तादाद में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में अपने नॉमिनेशन भरे हैं। भारी तादाद में सरपंचों और पंचों ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं और बढ़िया से ये चुनाव होंगे, ये लोकतंत्र की जीत होगी। आपने कांग्रेस पे बड़ा आरोप लगाया है, देश विरोधी पार्टी उसे जो आपने कहा है, तो आप किस तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेस एक देश विरोधी पार्टी? जब पाकिस्तान कहता है कि जम्मू कश्मीर में चुनावों का बाइकाट हो और कांग्रेस पार्टी भी कहती है कि चुनावों का बाइकाट हो, इसका मतलब कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के एजेंडे को आगे ले जा रही है। जी शुक्रिया। तो ये थे रविंद्र राणा जी, इनका साफ तौर से कहना था कि कांग्रेस एक देश विरोधी पार्टी है। जिस तरह से कांग्रेस ने बीडीसी चुनावों को लेकर जो है बहिष्कार किया इन चुनावों को, और रविंद्र राणा का साफ तौर से कहना है कि ये लोकतंत्र की हत्या है और कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है, कांग्रेस आतंकवाद समर्थक पार्टी है, ऐसा रविंद्र राणा ने जो है कांग्रेस पर एक बड़ा आरोप लगाया है। तो अगले अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं द पब्लिश के साथ। कैमरामैन आदित्य राजपूत के साथ मैं वरुण शर्मा, द पब्लिश के लिए।